हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PSPCL का JEE का पेपर जो कि सिविल इंजीनियर के लिए है। इसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, और पार्ट सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन। कुल मिलाकर आपको पेपर में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम होगा। अब देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद से पढ़ना है जिसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का जो मटेरियल है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। जब आप क्वेश्चन खुद से पढ़ेंगे तो आपको एक जो क्वेश्चन की इमेज है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी जिससे आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 22। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 39। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 40। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 41। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 42। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 43। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 44। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 45। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 46।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 48। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 54। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 58। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा सीवर का जो पार्ट आता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शुरू हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथ, इनकी सभी की ट्रिक की वीडियो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। हमने रीसेंट ही PSPCL के लिए खास वीडियो अपलोड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 63। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 67। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 73। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जो कि रोंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 78। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन जो है रिलेट करके उनका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 94। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 95। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिमिलर मीनिंग यानी साइनोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 96। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आप साइनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन सभी को ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।